और ये गए भाई अपनी कॉटन अंदर। अरे चल 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 चल, बेच दे जल्दी कर जल्दी कर। कितने की? ये गिरती हुई नजर नहीं आ रही। पैसे बढ़ने लगे भाई, पैसे बढ़ने लगे। 47। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो भाई हैप्पी संडे सभी को, और वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग, और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो भाई सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी आवाज़ आपको मेरी अलग लग सकती है। तो आज हमने काटनी है भाई कॉटन। हमने पिछली बार लगाई थी और कॉटन हमारी पक चुकी है। और मैंने आपको दिखा देता हूँ एक बार भाई, जानवर वगैरह बेचे हैं काफ़ी सारे, और सोल्ड व्हीकल जो मेरे पास वो सीडर वगैरह खड़े थे बड़े बड़े सीड हॉक के, मैंने वो बेच दिए। एनिमल मैंने बेचे, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा एनिमल बेचे, और फिर आज फिर बेचे, तो 3 बार एनिमल बेचे, और ये इतने सारा हमारा 1.5 मिलियन का फ़ायदा हुआ हमें, और 5.3 हमने कमाए थे पिछली बार, ठीक है। तो ये 6.3, और ये बाकी हैं अदर्स के, ये शायद व्हीकल के हैं किसके हैं। तो अपने पास भैया 46 हो गए। और एक भाई ने बोला था कि पाउंड का निशान है उसको डॉलर में करो, तो मैंने उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन पैसे तो उतने ही हैं भाई। डॉलर रखो पाउंड रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो यार शुरू करते हैं वीडियो, और जल्दी से काटते हैं अपनी कॉटन, देखते हैं आज कॉटन में हमें कितना फ़ायदा होगा। कॉटन का रेट तो भाई अच्छा चल रहा है काफ़ी, मैंने अभी चेक करा 2600 1000 लीटर का। तो देखते हैं आज कितनी कॉटन मिलती है, कितने मिलियन की बिकेगी हमारी कॉटन। जल्दी से करते हैं वीडियो शुरू। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलो यार खेत पे जाना पड़ेगा मुझे, और किसी गाड़ी में घुस जाता हूँ। अरे यार ट्रेन में नहीं जाना था, चलो अपनी कार में चलते हैं, क्योंकि वहीं पर जाके मैं हार्वेस्टर वगैरह ख़रीदूँगा, क्योंकि यहाँ से लेके जाऊँगा तो वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो फंस जाएंगे। तो गाड़ी में चलते हैं अपने वहाँ खेत के पास, वहाँ पर जाके देखते हैं हार्वेस्टर कितने लगाएंगे आज। 3 लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो भाई ये चल पड़ी अपनी गाड़ी, तो पहुंचते हैं फटाफट। लो भाई कॉटन, लो भाई देखो कॉटन अपनी बड़ी हो गई। तो एक भाई कह रहा था फर्टिलाइज करो पूरा 100% तो ज़्यादा मिलेगी। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है कि 15-20% ज़्यादा मिलेगी, लेकिन भाई इतनी सारी हार्वेस्टिंग और इतनी सारी सॉरी वो फर्टिलाइज करने के लिए, इतनी सारी फर्टिलाइजिंग इतने बड़े खेत की भाई कैसे होगी। और एक भाई का और कहना था कि जो खेत आपके साथ है 4 खेत और आगे, यानी कि वो एक दो नंबर वगैरह, ये जो 4 खेत हैं इनको ख़रीद लो, इनको ख़रीद के आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा भाई इतने ये 4 खेत अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये 4 खेत लैंड पे करते हैं क्लिक, और इसको कर तो ये भाई 28 मिलियन के आएंगे, 28 मिलियन, और मेरे पास अभी 48, तो आधे पैसे रह जाएंगे मेरे पास। तो अब फिर मैं इसको लूँगा, फिर इसमें करूँगा भाई बहुत टाइम लगेगा, अभी मैं बस इसी से ठीक हूँ। मुझे हर रोज़ 4-5 मिलियन डॉलर तो मिल ही रहे हैं। अरे यार आगे आ गया, चलो एक सेकंड, थोड़ा आगे चला गया यार, कोने पे जाना था। वापस चलो भाई वापस चलो, पहले कोने से लगाता हूँ, एक देखता हूँ कितना बड़ा है। बस ठीक है यहीं पे। तो ये 28 मीटर का है, देखते हैं कितना बड़ा। यहाँ पे लगाते हैं एक हार्वेस्टर, लेते हैं कॉटन टेक्नोलॉजी में जाते हैं पहले हार्वेस्टर के अंदर। तो ये है भाई आइडल का कॉटन पैक, आ जा भाई आ जा। इसकी कैपेसिटी, एक सेकंड, कैपेसिटी इसकी है 2.5 लाख, तो इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख है। और इसमें नीचे यहाँ पर कॉटन आना चाहिए, तब ये कॉटन काटेगा, ठीक है ना। अगर आप ये लगाते हो आइकॉनिक का पैक, तो ये कॉटन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो बाकी पहिए हैं, व्हील सेटअप है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कॉटन काटनी है, हमें सिर्फ कॉटन लगाएंगे। इसको लेंगे किराए पे, क्योंकि हमने एक ही बार लेना है। तो किराया पता नहीं भाई इसका कितना लगा, और हाँ इसका हेडर भी लेना पड़ेगा। तो भाई एक हेडर लेता हूँ मैं फटाफट से इसके अंदर। आज मैंने हेडर, अरे यार हेडर कहाँ चला गया। अच्छा कॉटन, कॉटन हेडर के अंदर होगा। अरे यार हेडर कहाँ चले गए इसके भाई, कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ गई, ये रही कॉटन टेक्नोलॉजी में।
ठीक है, ये हो गया इसका हेडर 28 मीटर का, ये हो गया 11 का, ये हो गया 5 मीटर का। नहीं यार, 28 मीटर वाला लेते हैं एक, अभी इसको लेते हैं किराए पे। ठीक है, इसको लगाते हैं फटाफट। तो जहाँ जहाँ पर ये किधर से काटेगा, इधर से काटेगा, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, खोल लेंगे पहले इसको एक्स से, और इसको लगा देता हूँ भाई। कल यार बना नहीं पाया वीडियो, कल भाई मैंने यूरो ट्रक का वीडियो बनाया था, 2-3 घंटे एडिटिंग भी करी यार, लेकिन वीडियो लैग हो रहा था क्योंकि ग्राफिक कार्ड, मैं खेल रहा था हाई क्वालिटी के ऊपर, तो ग्राफिक कार्ड से मज़ा नहीं आया। तो ग्राफिक कार्ड यार आएगा तो बनाऊंगा वीडियो उसके भी। अच्छा, तो इसको खोल लेंगे हेडर को भी, जी दबाएंगे एक्स। ये अभी 28 मीटर का देखो, काफ़ी बड़ा है यार। तो इसको लगाते हैं, और ये काम करता है सही, इसमें कोई हेल्पर काम करते हैं इसमें बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको एक को लगाते हैं, मैंने थोड़ा सेट कर लो। देखो यार कितनी कॉटन मिलती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनी मिलेगी। तो इसको करते हैं डाउन वी से, थोड़ा सा और बात करना पड़ेगा यार, बस चलो इसको करते हैं ऑन। लो भाई कॉटन कटने लगा। ओ भाई इसकी स्पीड तो बहुत है, तो बहुत तेज स्पीड में जा रहा है यार 27 की स्पीड। तो 4 लगा देता हूँ, बहुत होंगे। तो ये 2 लगाते हैं सेंटर में। अब मैं इसके बाद लगाने वाला हूँ भाई कनोला, क्योंकि कनोला से ज़्यादा फ़ायदा होता है, कनोला से अभी तक मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो 2 हार्वेस्टर में यहाँ पर जाकर लेता हूँ। मैं गाड़ी इसलिए लाया था ताकि फटाफट से अपना इधर उधर घूम सकूँ भाई। गाड़ी तो इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। चल भाई यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर मैं 2 लेने वाला हूँ बस। और यहाँ पर लगाते हैं अपनी शॉप को, और फटाफट से, अब तो पता ही है कहाँ पर क्या मिलना है, तो फटाफट से लेते हैं 2 क्रेजी। ये 28 मीटर का किराए पे, 1 2। और अब चलते हैं हेडर के अंदर, हार्वेस्टर के अंदर सॉरी। तो हार्वेस्टर के अंदर जाके, और बस इसको करना है कॉटन, कॉटन। ओके, इसको ले लेंगे किराए पे, 1 2। ठीक है भाई, 2 2 4, देखते हैं कितनी देर में काटते हैं ये। इन दोनों को लगा देता हूँ फटाफट से यहाँ पे। अनफोल्ड पहले ही कर लिया करो, बाद में फिर वो कई बार भूल जाता है बंदा। आ जा भाई, आ जा तू, आ जा इधर। अरे इधर को आ भाई, इधर को, इधर को, हाँ। तो भाई आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे पिछले वीडियो पे, थैंक यू भाई उसके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए भी। तो इसको खोल लेंगे जी दबा के, एक्स दबा देंगे। और यहाँ अब तो कोई टेंशन नहीं है, कोना अब तो कोना देखने की जरूरत ही नहीं है। ये खुल गया अपना हेडर और हार्वेस्टर। चल भाई भाई ऐसी कटती, देखो ये ऊपर से कॉटन कॉटन ले लेता है ये, और बाकी रह जाता है पीछे सामान। चल भैया तू भी फटाफट से लग जा, और जल्दी जल्दी काट दो भाई सारे मिलके, जल्दी से मेरी कॉटन को, और पैसे डाल दो मेरी झोली में फटाफट बहुत सारे। तो इसको इसको इधर लगा देते हैं। इसको अब सेट करके लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोने से लगाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अरे 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 पीछे गाड़ी भी है भाई। तो एक भाई कह रहा था 100 मीटर का हेडर लगा दो कॉटन का, पता नहीं 100 मीटर का आता है कि नहीं, मैंने चेक नहीं करा भाई। देखो ये मेरे पास पड़ा था तो मुझे मालूम था ये मेरे पास है। चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे हेल्पर कोना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर है कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी कॉटन हमारी बचनी नहीं चाहिए ना। चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और कोने में चलते हैं, एक लास्ट चल लगाते हैं कोने के अंदर। तो जब ये थोड़ा सा खेत कट जाएगा तो मैं अपने प्लांटर लेके आता हूँ, प्लांटर मतलब लेके आता ही हूँ अभी, और प्लांटर को सेट कर देता हूँ जब तक, ताकि फटाफट से अपना काम हो। यार जल्दी से मेरा ग्राफिक कार्ड मिल जाए बस, कल फ़ोन करूँगा उनको, मंडे है कल,
कल पता लगेगा कि मिलेगा कब, कल मिलेगा या कब मिलेगा। ये क्या हुआ यार, ये कैसे सीडिंग कर दी। तो इधर लगाते हैं चौथा। तो आज मैंने पहले नहीं लगाए मैं, क्योंकि आपको दिखाना चाहता था कि कॉटन का जो हार्वेस्टर होते हैं उनमें सेटिंग करनी पड़ती है। ये आइकॉनिक पैक, आइकॉनिक कॉटन पैक है, ये आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको लगा लेंगे कॉटन पे, ओके। इसको करने किराए पे, और अब चलते हैं इसमें कॉटन टेक्नोलॉजी में जाना, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ 28 मीटर का, ठीक है। 28 मीटर देख लेना, ओके। यस यस, और इसके लिए मुझे स्पेशल, अरे यार तो खेत में घुस गया। इसके लिए स्पेशल कॉटन उठाने वाले ट्रॉली भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉटन कोई भी ट्रेलर कॉटन नहीं उठाता, तो हमें स्पेशल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, स्पेशल लेनी पड़ेगी ट्रॉली इसके लिए। ओ इस भाई ने कॉर्न लगाई है, देखो मकई लगाई, मकई। ठीक है भाई, तो करते हैं बीबी से ऑन और 3 दबा देंगे। ठीक है भाई, ओके। यहाँ लगाते हैं हेल्पर। भाई स्पीड बहुत है, इसलिए ज़्यादा बड़े हेडर की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से काट देगा ये। मुझे तो लगता है ये कोने पे पहुँच भी गया, ये देखो। और इसको ऐसे कर लेंगे एक बार, ताकि पता लग जाए भाई कहाँ से कट रहा है ये। इनको सेट करना पड़ेगा अभी दोनों को, क्योंकि ये ए नंबर जो ए हेल्पर है, हेल्पर ए पता नहीं इधर को काटेगा या इधर को काटेगा, ये दोनों फंस सकते हैं। तो चलो इतने में ये काट रहे हैं, मैं अपने इनको लेके आता हूँ। तो मैंने मोड रीसेट करे थे, तो मोड रीसेट करने से एक मैप भी मेरा रीसेट हो गया। जो मैंने एडिटिंग करी थी मैप के अंदर वो सारी चली गई। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब क्या करना, अब तो ऐसी ठीक है। आप देख रहे हो मैंने साइड में वो बनाई थी जगह, वो जगह गायब हो गई, और सामने खेत में भी कॉटन लगी थी, कट गई है वो, ये किसी ने काट दी। और मैं कितने दिन से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी कार्ड की प्रॉब्लम आ रही थी। उससे पहले तो मैंने कई कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। चल भाई दोनों को इकट्ठे लेके चलता हूँ यार, इकट्ठे जाएंगे जल्दी से, फटाफट से पहुँच जाएंगे ना। बस जितना टाइम कम लगे और उतना काम ज़्यादा हो तो वो काम करना चाहिए। तो भेड़े मेरे पास हो गई थी 205, 205। तो भाई मैंने इतनी सारी भेड़ बेची आज, अब मेरे पास फिर 150-150 हो गई हैं। $1,000 की एक भेड़ बिकती है, इतनी महंगी होती है भेड़ यार। 45,000 की नहीं, 70 डॉलर, 70 रुपये का चल रहा है भाई, 70,000 रुपये की भेड़ होती है एक। इतनी महंगी तो नहीं होती भाई, हिंदुस्तान में तो सस्ती है। 10-12 हज़ार का बकरा मिलता है मेरे ख्याल ना, जब ईद वगैरह पे लोग लाते हैं काटने के लिए, तो मुझे लगता है इतने का मिलता है, 10-12-15 हज़ार का। चलो यहाँ पर भेड़ इतनी महंगी भाई, इतनी महंगी भेड़ हिंदुस्तान में बिके तो मज़ा ना आ जाए, सारे अमीर हो जाए फटाफट। चल भाई चल फटाफट पहुँचो। और मैंने कनोला पहले ही सेट कर दिया देखो, और इनको धो के और टिच करके भाई इनमें सीड और फर्टिलाइज़र घुसेड़ दिया, क्योंकि मैं पहले ही तैयार रखता हूँ सामान, मैं क्या बाद में फिर टाइम ख़राब होता है बेफालतू में, क्या फ़ायदा। तो ये है 36 मीटर के और वो है 28 मीटर का, तो वो उसकी स्पीड है 27 की, इसकी है 20 की। तो कम से कम 2-3 लाइन तो काटनी पड़ेंगी उनको, तब जाके इसको लगाऊंगा मैं, क्योंकि नहीं तो ये फिर फंसेंगे आपस में, बार बार मुझे इनको सेट करना पड़ेगा। मैंने सर्च करी थी लैग के ऊपर काफ़ी सारी, तो ये भी पता लगा कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ है, पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इस वजह से भी लैग होती है। अगर आपका जैसे मैप बहुत बड़ा है और इसमें इतने सारे पेड़ हैं, और उसके लिए फिर टेक्सचर जो होता है ना वो बहुत ग्राफिक कार्ड पे बहुत लोड पड़ता है, तो इस वजह से भी कई बार लैग होती है। तो उसमें यह है कि आप मैप को एडिट करके इन पेड़ों को हटा सकते हो, थोड़े से पेड़ हटा दो ताकि थोड़ी लैग कम हो, FPS आपकी गिरे ना। तो यह भी कारण है भाई ये, क्योंकि इसमें पानी देखो, पानी भी इतना, पानी के ऊपर भी लोड, ग्राफिक कार्ड पे लोड पड़ता है, पानी टेक्सचर होता है ना काफ़ी,
तगड़ा। आ भैया जल्दी आ, अरे आ जा भाई, ये बोसलो चलता है हेल्पर, इसको मैं वहीं पर रोक देता हूँ अभी तो। चल भाई रुक जा, 1 मिनट यार, 1 सेकंड, इसको मैं क्रूज मोड दबा देता हूँ, ये भी चलता रहेगा, अपना काम नहीं रुकेगा नहीं, देखो ठीक है। ये देखो इधर आ गया अपने आप ही, बढ़िया। और ये हेडर बढ़िया है, ये देखो अपने आप ही घूम जाते हैं, हमें इनको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी देखो इन्होंने फटाफट से बीच में इतना सारा एरिया उड़ा भी दिया, गदर काम करते भाई गदर। कहाँ गया, अरे क्रूज मोड तो दबाया था। अच्छा भाई क्रूज मोड दबाया था लेकिन मैं उतर गया था ना इससे, मैं हेल्पर के अंदर चला गया था उसमें, तो इसलिए बंद हो गया। ओके भाई चलो यार सब सही है। ओके इसको लगाते हैं एक बार कोने पे। तो ये खेत तो कंप्यूटराइज हैं, ये तो अपने आप ही कटते रहते हैं और इनको कंप्यूटर काटते रहते हैं। आप अगर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, नहीं तो ये अपने आप ही कंप्यूटर काटते हैं, वो सीडिंग करते हैं, कल्टीवेट भी कर देते हैं, सारा काम वही करते हैं, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो 46 मिलियन तो हो गए, अब मुझे लग रहा है कि आज 50 मिलियन तो हो ही जाने चाहिए कॉटन बेच के भाई, के नहीं होंगे 50 से ऊपर ही होने चाहिए, आज तो 50 या 51, तो आधा रास्ता तो हमने पार कर लिया, आधा बचा वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। बस ये 2 लाइन लगा लें, 2 लाइन काट देंगे ना जैसे जैसे ही ये भाई अभी इधर काफ़ी दूर है ये, अभी तो इसने 1 लाइन भी नहीं काटी, इसने काट दी, तो ये इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको मैं बाद में लगाऊँगा क्योंकि भाई इस अभी ये लाइन काटने में देर कर रहा है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लगाया था मैंने, ये सबसे पहले लगाया था इसलिए इसने फटाफट काट दिया। तो कॉर्न कॉर्न से भी फ़ायदा हुआ था कॉर्न के, लेकिन हेडर नहीं है ना मेरे पास, कॉर्न के हेडर वो छोटे छोटे हैं, कॉर्न का हेडर भी बनाना पड़ेगा 100 मीटर का, तब हम कॉर्न लगा सकते हैं बार बार। चल भाई पहुंच जल्दी कर, गाड़ी हटानी पड़ेगी लगता वहाँ से, गाड़ी शायद नहीं, चलो इसको अभी मैं सेट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं तो अड़ेगा इस गाड़ी को, हाँ गाड़ी को तो हटाना ही पड़ेगा यार, नहीं तो वो अभी हेडर वो आने वाला है हार्वेस्टर हेल्पर के साथ वो फंसेगा, तो अभी मैं इसको यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। ओके गाड़ी को फटाफट हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, अब गाड़ी नहीं चाहिए हमें। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं अपने फार्म हाउस पर चलते हैं और यहाँ पर गाड़ी को वापस बुला लेते हैं क्योंकि गाड़ी की अब ज़रूरत नहीं है, वो अभी भटकती रहेगी वहाँ पे बेचारी। आ जा भाई। ओके चल तेरा काम हो गया, यहाँ पे खड़ी हो जा, बाद में लेके जाऊँगा तेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी। इस गाड़ी से भी वह काफ़ी काम हो जाते हैं, इससे भी ट्रेलर खींच के ले जा सकते हो, सामान खींच के ले जा सकते हो, अंडे बेच सकते हो और छोटा मोटा सामान उठा के ला सकते हो स्टोर से, जैसे कि पैलेट उठा के ला सकते हो, इसके अंदर पैलेट भी आ जाते हैं, एक तो आ ही जाता है। ठीक है भाई, वो मैंने हेडर वहाँ खड़े कर दिए हैं हार्वेस्टर हेडर लगा के क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। चलो भाई इसको लगाते हैं, अब आज लगानी है हमको कनोला, कनोला लगाते हैं आज, खोल लेते हैं इसको पहले ही। एक मिनट इसको खुलने देंगे पहले, ये तो इसकी स्पीड 30 की करी थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी वो 30 की स्पीड की, दरअसल फिर ये बहुत जल्दी जल्दी सीड करता है तो वो हार्वेस्टर अपना काम नहीं कर पाते सही तरह, तो मैंने भाई 20 की कर दी दोबारा से। ठीक है हो गया सेट है भाई एकदम। चल भाई लगा दे तो कनोला फटाफट से हमारी, तो ये अपनी कनोला लगने लगी एक, चलो ये सेट हो गया और इसकी स्पीड 20 की है अभी, इसने भाई ने 1 लाइन भी दूसरी काटी नहीं है यार, ये काट देगा। उसके बाद करते हैं
इधर भी कनोला लगाते हैं, फिर काट देंगे ये भी 1-1.5 घंटे 1.5 घंटे में तो काट ही देंगे शायद। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, जितना लगेगा भाई लगेगा ही। और आज संडे है भाई, अभी तो सब आप सो रहे हो गए, अभी तो 8 8:30 बजे हैं सुबह के, और मैं सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ। यार कल रात को बनाना था, मैंने कल रात को बनाया था उसका यूरो ट्रक का, भाई 2-3 घंटे में एडिटिंग करा। और मैंने दरअसल वीडियो बनाने के बाद चेक नहीं करा, गेम सही चल रही थी लेकिन जब रिकॉर्ड हुई तो लैग हो गई उसके अंदर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड पे लोड पड़ता है गेम का भी, और ग्राफिक जब रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्डर पे भी लोड पड़ता है, तो ग्राफिक कार्ड चाहिए थोड़ा सा हैवी। लेकिन GTA 5 सही चल रही है, थोड़ी सी लैग हल्की फुल्की होती है, तो क्योंकि वो भी मैं अल्ट्रा सेटिंग, मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी है, मैं सारी गेम अल्ट्रा सेटिंग पे ही खेल रहा हूँ। ये भी अल्ट्रा पे चल रही है फार्मिंग सिम्युलेटर, लेकिन ये सही क्योंकि ये 12 GB की गेम है तो ये सही चल रही है। लेकिन GTA 5 80-90 GB की गेम है, और ऐसे ही फोर्जा होराइजन भी 90 GB की है, तो इन गेमों पर लोड पड़ता है। और यूरो ट्रक छोटी सी है 6-7 GB की, लेकिन उसके ग्राफिक बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो उसका स्केलिंग मैंने 400 कर रखी है, फुल कर रखी है स्केलिंग, तो स्केलिंग से फ़र्क पड़ता है, इसीलिए फिर लैग हो गई। वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी, उसके बाद भाई मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि कल सुबह सुबह फोर्जा होराइजन के वीडियो में मैंने 2 घंटे ख़राब करे, और शाम को मेरा वो वीडियो, तो मैंने कल सिर्फ 2 ही वीडियो डाले, नहीं तो मेरे को कल 4 वीडियो डालने थे, और इसलिए काम ख़राब हो गया यार। तो भाई दिक्कत आ जाती है कभी कभी यार, क्या करें, बस फटाफट भगवान से दुआ करो यार सारे मिलके कि मेरा ग्राफिक कार्ड जल्दी से वापस मिल जाए, और भाई मैं अच्छे अच्छे वीडियो फिर बनाऊँ फोर्जा होराइजन के भी, और यूरो ट्रक का, और GTA 5, और माइनक्राफ्ट का आज खेलूँगा शायद, कोशिश करता हूँ एक डालने की एपिसोड। माइनक्राफ्ट के वीडियो यार लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते भाई, उसको भी लाइक शेयर करा करो यार जल्दी ज़्यादा सा, ताकि ज़्यादा भाई चैनल ग्रो हो सके हमारा और बढ़िया। तो बस ये एक लाइन काट दे, मैं उसको कनोला वाले को लगाता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, फिर आपको बाद में मिलता हूँ कनोला के, देखते हैं आज कितनी, सॉरी आज कॉटन हमें कितनी मिलेगी, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। और इसके फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगा जो इसके टिप्पर है, जो इसको कॉटन को उठाने वाले ट्रेलर, वो दिखाता हूँ आपको बाद में। चल भाई जल्दी से, स्पीड तो अच्छी है भाई, मुझे लगा, मुझे इसकी स्पीड का ध्यान नहीं था, ये मैंने इस्तेमाल किया था काफ़ी टाइम पहले फेल्सब्रन के अंदर, फेल्सब्रन मैप के अंदर मैंने कॉटन का बहुत बड़ी कॉटन की हार्वेस्टिंग करी थी, तो मैंने तब ये कॉटन पैक का मोड लगाया था, और उसके बाद मैंने आज लगाया इसको एक बार, शायद मैंने इसको मिचिगन मैप के अंदर भी मैंने कॉटन लगाई थी, शायद मैंने दूसरी बार इसको वहाँ लगाया था, तो आज ये तीसरी बार इस्तेमाल हो रहा है। चल भाई इसने कर दिया काम, ये घूमेगा देखो अभी, तो गाड़ी मेरे को तब हटानी पड़ी, देखो ये घूमेगा ना तो ये गाड़ी में फंसेगा, इसको भाई जगह चाहिए ना पूरी घूमने के लिए। ये हेडर सही बनाया भाई ने एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको लगाते हैं, पीछे करते हैं एक बार, अरे यार इसको घुमाना भी आसान काम नहीं है। आ जा भाई इधर को, इधर को, इधर को, अरे यार ये फंसता है, इसके पहिए के साथ फंस जाता है ये। बस बस खोलते हैं पहले इसको, देखते हैं कितना बड़ा होता है खोल के। बाहर अभी तो थोड़ा सा इधर को करना पड़ेगा यार, ये ट्रैक्टर तो मुझसे, ये ट्रैक्टर कंट्रोल ये ज़्यादा ही घूम जाता। बस अब सही, बस सीधा सीधा लाते हैं इसको, ठीक है बी ऑन कर देते हैं, 3 दबा देते हैं, थोड़ा सेट कर देता हूँ इसको, बस ठीक है यहाँ लगा देते हैं हेल्पर, ठीक है भाई लग गई कनोला, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, चलो कोई बात नहीं वो अपने आप हेल्पर सेट कर लेगा, ठीक है भाई। चलो इसको काटते हैं अब, और देखते हैं आज कितना होगा हमारा कॉटन, बाद में मिलता हूँ फिर आपसे, ठीक है ओके। तो लो भाई दोस्तों खेत अपना कट गया भाई, कॉटन अपनी हार्वेस्ट हो गई सारी,
और ये आखिरी अन कट रही है इधर, और एक हार्वेस्टर खाली करके मैंने माँ खड़ा कर दिया। और इस हार्वेस्टर की कैपेसिटी थी 2.5 लाख की, तो मैंने भाई इसको बढ़ा दिया है 5 लाख, तो सबकी कैपेसिटी मैंने 5-5 लाख कर दी है। ये दोनों भी आखिरी लाइन काट रहे हैं अभी इधर, इनको अभी देखता हूँ। और ये होता भाई टिप्पर, देखो ये आप माउस का लेफ़्ट बटन दबाओगे और इसको ऐसे ऐसे करोगे लेफ़्ट राइट, तो ये काम करता है। तो ये एक साइड से फेंकता है अनलोडिंग, ये ऐसे साइड से करेगा। तो अभी नहीं करूँगा भाई, नहीं तो अभी यही सारी मेरी कॉटन यहीं पे गिर जाएगी। तो ये भी लगे हुए हैं हमारे कनोला लगाने के लिए, दो हेल्पर, और दो हेल्पर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको अभी मैं, ये यहाँ पर पहुँचेगा तो मैं इसका माल अनलोड कर दूँगा यहाँ पे, और इनको देखता हूँ। ये भाई भी बस, तो एक को मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर दोनों टकराएंगे, तो इसको रोक देता हूँ एक को। इसको अभी चल भाई, तो रुक जा, और इसका बंद कर देते हैं हेडर, और जी दबा के एक्स दबा देंगे। ठीक है भाई, ये कॉटन इसने काट दी, अब वो काट देगा आखिरी लाइन। तो ये आखिरी आखिरी लाइन दोनों कट जाएंगी, इसको लेके चलता हूँ मैं उसके पास, और जब तक वो भी पहुँच जाएगा तो इसको डाल देता हूँ। इसमें 4,31,000 हो गई है, और अभी तक हमें मिल चुकी है 2.1 मिलियन उस टिप्पर के अंदर। तो देखते हैं आज मिखल 3-4 मिलियन, 3-3.5 मिलियन मिलेगी टोटल, देखते हैं कितनी मिलती है भाई। और कॉटन का रेट भी अच्छा है, तो देखते हैं आज। मुझे लगता है कॉटन से सबसे ज़्यादा, कनोला से भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हमें कॉटन से। तो भाई मैंने तो गलती कर दी, फिर कनोला लगा दिया, लेकिन कॉटन ही लगा देता तो सही रहता। तो चलो अगली बार कॉटन लगा देंगे अगर इससे फ़ायदा होगा। मुझे लग रहा है कि कॉटन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे हार्वेस्टर मैंने लगाए थे 4, अगर मैं 6 हार्वेस्टर लगा देता तो जल्दी काम हो जाता, लेकिन थोड़ा किराया लगता, लेकिन मेरा टाइम बच जाता काफ़ी। तो अभी 2 घंटे, 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि हार्वेस्टर छोटे हैं ना, इनका मतलब हेडर का साइज़ छोटा है, तो 6 लगाने चाहिए थे। चलो अगली बार देखेंगे। तो यहाँ करते हैं क्रूज़ मोड को ऑन, और ये आखिरी लाइन, इसने आखिरी लाइन काटनी शुरू कर दी, और ये भी पहुँच रहा है वहाँ पे, और मैं भी पहुँच रहा हूँ वहाँ पे उसके पास। तो इन दोनों का माल लोड करते हैं, फिर ये आखिरी बचेगा, ये भी आ रहा है भाई, बस आधे रास्ते में तो पहुंच ही गया। तो स्पीड इनकी जब मैंने शुरू करी थी तो 27 की थी, लेकिन धीरे 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 काम करते करते ये इनको रिपेयर, अब आप नीचे देखो अगर, तो रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो हेडर की अब स्पीड हो चुकी है 21 की, तो अब इनकी स्पीड 21 की है, पहले 27 की थी, तो 6 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया है, पर प्रति घंटे की रफ्तार जो इनकी है 6 की कम हो गई। अरे भाई क्या कर रहा है, डांस क्यों करने लगा। तो देखते हैं यार, आज तो 51 या 52 मिलियन होने चाहिए भाई, 5-6 मिलियन तो मिलेंगे ही आज। तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर कॉटन से होगा तो फिर कनोला की जगह अगली बार कॉटन ही लगाएंगे भाई, क्यों? तो कॉटन ज़्यादा मिलती है ना, दरअसल हल्की होती है तो ज़्यादा मिलती है, और इसका रेट भी ज़्यादा है यार। ये एरर पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार यार, नो मोर स्पेस, नो मोर स्पेस, पता नहीं यार ये क्या दिक्कत है। चल भाई चल चल, रुको मत रुको मत रुको मत, पहुँच जल्दी कर पहुँच जा उसके पास। तो इन दोनों का काम ख़त्म हो गया, तीनों का काम, लगभग सबका काम ही ख़त्म हो चुका है। एक हार्वेस्टर मैंने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, नहीं तो फिर वो अपने जो प्लांटर हैं उनसे टकराएगा। इसमें टिप्पर में एक दिक्कत है यार, ये ऊंचा बहुत है, और इसका पाइप निकालता हूँ। तो अगर आप देखो तो ये टिप्पर की एक साइड से ऊंचाई कम होनी चाहिए थी थोड़ी सी, ताकि आराम से उठा सके। वैसे तो कॉटन उठाने के, कॉटन के ट्रेलर और भी आते होंगे कई मोड, आप वो भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये टिप्पर लगाना है। ये देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ऊंचा बहुत है, और ये इसका पाइप बहुत नीचा है, तो ये आगे से ऐसे लगता नहीं है। इसको लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे आगे जाना पड़ेगा बिल्कुल फ्रंट पे, तो ये यहाँ से डल जाता है। तो यहाँ पर जाके और इसको ट्रक के ऊपर से लाना पड़ेगा, तो यहाँ से आता है सही, यहाँ से आगे से नीचा है, पीछे से काफ़ी ऊंचा है। तो ये कॉटन गिरती हुई नज़र ही नहीं आती, देखो। लो भाई उसका काम भी ख़त्म हो गया, चलो उसको भी अभी करते हैं बाहर, पहले जरा इससे तो ले लूँ। कॉटन गिरती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन खाली होती हुई और भरती हुई नज़र आ रही है ट्रक के अंदर।
लेकिन ओ यार, लेकिन ये ऐसे नज़र नहीं आती कि गिर रही है, ये एनिमेशन है नहीं इसके अंदर, देखो। चल इसको करते हैं बंद। ये ट्रक को पलटा के रख देगी। ये पाइप थोड़ा ऊंचा होना चाहिए या फिर वो टिप्पर थोड़ा नीचा होना चाहिए। चल इसको खड़ा करते हैं यहाँ पे। चल भाई रुक जाए 1 मिनट, और दूसरे में चलते हैं। इसमें इसको करते हैं जी दबा के, एक्स दबा देंगे और भाई इसका पाइप निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, इसको इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये सही जाएगा उसके नीचे एकदम। भाई 2.5 मिलियन हो गई अपनी, 2.5 मिलियन कॉटन हो गई है, 2.5। चल भाई इधर आ जा, तो पूरे ट्रक में भर लेंगे, आगे पीछे भी, पीछे भी कर लूँगा भाई थोड़ी सी। आ जा इधर। तो 3 मिलियन हो गई भाई, कॉटन से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला भाई आज, तो मज़ा आने वाला आज बहुत। चल चल चल, डाल दे जल्दी जल्दी जल्दी। एक प्रॉब्लम और भी है, हार्वेस्टर खाली होने के बाद भी आवाज़ करता रहता है। चलो इसका भी काम ख़त्म हुआ, इसको भाई साइड में कर दूँ, क्योंकि अभी वो पीछे से प्लांटर आने वाला है, इसका काम होने वाला है। तो चलो इसको लेके उसके पास ही पहुंच जाते हैं फटाफट से। 2.9 मिलियन भाई, मतलब कि 3 मिलियन हो गई है, 3 मिलियन हो गई है। ट्रक इसके आगे ट्रक लगाया भाई मैंने, स्कैनिया का मोड है ये, तो मेरे पास और भी मोड थे ट्रक के, मैंने, मुझे यही अच्छा लगता है, छोटा सा ट्रक है, कहीं भी फिट हो जाता है, आसान सा है। और बाकी हैं बड़े बड़े लंबे लंबे बहुत हैं यार, बड़े बड़े बहुत हैं। तो एक हार्वेस्टर तो मैंने यहाँ खड़ा कर दिया था, इसको लेके चलते हैं भाई उसके पास, वो भी आने वाला है अपना लास्ट, उसका भी चल रहा है काम। आ जा भी आ जा, कहाँ रह गया। तो थोड़ा दूरी रोक देता हूँ क्योंकि दिक्कत होगी। एक काम करते हैं ना, क्योंकि उसका पाइप इस तरफ है, यहाँ पे लगाते हैं इसको। चलो उसके पास ही चलते हैं यार, टिकट उससे ले ही लेते हैं, माल सारा आ ही जाएगा। लो आ गया भाई, आ जा भाई आ जा, तेरा इंतज़ार था, तू है लास्ट। कर ही दिया काम भाइयों ने, चारों ने। अगली बार कॉटन लगाऊंगा तो 6 हार्वेस्टर लगाऊंगा, ताकि जल्दी काम हो। तो ये जो बड़े बड़े हार्वेस्टर होते हैं, ये हेडर होते हैं, इनके अंदर एक आसानी रहती है कि आप माल कहीं से भी भर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको हेडर के ऊपर भी ऐसे घुसा दूँगा, अगर ये देखो अब ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन हेडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर असली हेडर हो, मतलब एक ही पीस हो, क्योंकि ये तो मॉडिफाई करा हुआ है, लेकिन अगर एक ही होगा और आप ऐसे ट्रक लेके जाओगे या ट्रैक्टर लेके जाओगे, तो भाई वो हार्वेस्टर, वो हेल्पर रुक जाएगा, क्योंकि वो अटक जाएगा उसके साथ, आप उसके ऊपर जा नहीं सकते। लेकिन ये देखो, क्योंकि ये है तो छोटा सा ही है, 5 मीटर का, उसको बढ़ा के इन्होंने 27 मीटर का कर दिया। लो भाई 3.4 मिलियन, भाई साहब ये तो आज तो 7 मिलियन से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं भाई। भाई कॉटन में तो बहुत ही फायदा यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था यार। एक भाई, थैंक यू भाई जिसने बोला था कॉटन लगाने के लिए, वो कमेंट करना ज़रूर कि जिसने कॉटन की सलाह दी थी भाई, उस भाई को मैं सच में यार बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। लो इसका काम भी हो गया ख़त्म, चारों का माल हमने निकाल लिया है, और ये देखते हैं टोटल। अरे 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 अरे, रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा, ये क्या हुआ। तो इसकी टिप्पर की कैपेसिटी थी 1 लाख की, मैंने इसे 5 मिलियन कर दिया, तो इसका काम भी ख़त्म हो गया, और हमें मिल चुकी है 3.4, यानी कि 3.5 मिलियन कॉटन, और भाई रेट है इसका 2000, तो 35, भाई 7 मिलियन मिलेंगे, 7 मिलियन। 1 मिनट यार, एक काम करता हूँ पहले कि गैरेज में जाता हूँ फटाफट से, और अरे यार लीज आइटम में जाता हूँ, और भाई ये ट्रक तो अभी चाहिए, ये इनको वापस कर देता हूँ, क्योंकि ये रास्ते में खड़े हैं, इनका मैंने सामान तो निकाल ही लिया है, सारे खाली हो चुके हैं। अब मैंने इस बार चेक कर लिया अच्छी तरह, टिप्पर को नहीं वापस करना भाई, टिप्पर को वापस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, टिप्पर में सारा सामान उड़ जाएगा, 7 मिलियन का घाटा हो जाएगा। तो ध्यान से वापस करेंगे एक एक करके, और इसको भी वापस कर देंगे, ठीक है।
ये चारों वापिस चले गए, क्योंकि अब ये खेत खाली हो गए ना, अब वो अपना प्लांटर आराम से काम कर सकते हैं। तो लो भाई, अब देखते हैं कहाँ पर है इसका कॉटन। अच्छा कॉटन 2600, अरे रेट गिर रहा है भाई, अभी तो 2700 था। स्पिनरी पे बिकेगा, स्पिनरी वहाँ पर है, तो चलो मैं इसको लेके स्पिनरी पहुँचता हूँ, फिर आपको देखते हैं कि कितने पैसे मिले। तो लो भाई, अपना ट्रक लेके पहुँच गया मैं स्पिनरी के बाहर, और स्पिनरी है वहाँ पर कोने में, काफ़ी दूर है यार ये पॉइंट, सेलिंग पॉइंट इसमें काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, कई पास में भी हैं, लेकिन अब इसका रास्ता देखते हैं किधर से है। तो ये अपना भाई स्कैनिया का ट्रक, और इधर से देंगे माल अपनी कॉटन, उधर है भाई कोने में। चलो यार जल्दी से चलते हैं और बेचते हैं, यार मुझे सब्र नहीं हो रहा भाई, बहुत फ़ायदा होने वाला, आज तो इतना फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं इसमें। तो इसको ट्रक को यहाँ से लेके चलते हैं आराम से। अच्छा तो यहाँ पे हमें बेचनी है, तो भाई इसको थोड़ा सा दूर खड़ा करेंगे ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि टिप्पर इधर से उठेगा। और ये गई भाई अपनी कॉटन अंदर, अरे चल 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 बेच दे, जल्दी कर जल्दी कर, कितने की, ये गिरती हुई नज़र नहीं आ रही, पैसे बढ़ने लगे भाई, पैसे बढ़ने लगे। 47 और टेढ़ी करो, जल्दी जल्दी पैसे बढ़े भाई, बहुत स्लो जा रही है। 48, बहुत स्लो गिर रही है भाई, ये तो टिप्पर की अनलोडिंग कैपेसिटी, अनलोडिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसकी अनलोडिंग स्पीड 10 गुना करनी पड़ेगी। तो ये हो गए 50 भाई, हाफ सेंचुरी तो मार ली आज हमने, बस अब थोड़ा सा और 50 मिलियन और चाहिए। अभी देखते हैं, अभी तो काफ़ी कॉटन बची है अपने पास, 51 51 मिलियन, और ये 52 होने वाले हैं, ये हो गए 52, और ये हो गए भाई कितने होंगे भाई टोटल, 46 थे तो 7 53, 46 और 7 53 से तो ऊपर चले गए यार ये 54। और भाई कितने की कॉटन बिक गई भाई आज अपनी, अभी देखते हैं टोटल कितने पैसे मिले भाई, 55 हो गए भाई। ओ भाई आज तो मज़ा आ गया जिंदगी का, 9 मिलियन भाई, 9.2 मिलियन की बिकी अपनी कॉटन, बाप रे भाई, आज तक का सबसे जबरदस्त, ओए होए डबल भाई, हर चीज से डबल फायदा भाई, बार्ली ओट कनोला कॉर्न सब फेल हो गए भाई कॉटन के आ गए यार 9.2। तो यानी कि मैं अगर 9 एपिसोड 10 एपिसोड बनाता कॉटन लगा के, तो भाई 10 एपिसोड भी खत्म हो जाता ये, मैं तो इतने दिनों से ये लगा लगे कनोला और ये पागल हो रहा था। तो भाई कॉटन से 9.2 मिलियन का फायदा। तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, एक काम करेंगे अभी, 1 मिनट, तो किराए पे लिया होता टिप्पर, इसको कर देते हैं अभी वापस, क्योंकि इसके पैसे तो अभी लगेंगे ही, पैसे तो इसको लगने ही वाले हैं। ट्रक कहाँ चला गया भाई, अरे ट्रक कहाँ चला गया, इसको कर देते हैं वापस। तो ये चले गए अपने वापस, दोनों सारा सामान वापस कर दिया मैंने। तो भाई अब एक काम करते हैं, अभी तो ज़्यादा हुई नहीं है यहाँ पे, इसको रोक देते हैं अभी, तो इसको मैं रोक देता हूँ अभी, और भाई मैं इसको चेंज करने वाला हूँ कॉटन में। अरे यार कॉटन कहाँ चलेगी, कॉटन ठीक है, इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, और इसको भी रोक दूँ यार एक बार, रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तू भी रुक जा भाई रुक जा। तो इनको मैं दोबारा लेके जाता हूँ कोने के ऊपर, और यहाँ से भाई दोबारा इनको भर के लाता हूँ और कॉटन लगाता हूँ पूरे खेत में भाई, अगली बार फिर कॉटन काटेंगे। तो 9 पॉइंट भाई 9 9 मिलियन का फायदा हो रहा है, तो 5 6 5 6 बार और कॉटन लगाएंगे तो अपने 100 मिलियन पूरे हो जाएंगे भाई। तो इनको मैं अभी रोक रहा हूँ और मैं इनको भर के लाता हूँ और कॉटन लगाता हूँ, फिर मैं आपको अगली बार, कल हम काटेंगे फिर दोबारा कॉटन। तो भाई कॉटन से जब इतना फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों हम कनोला लगा के अपना टाइम क्यों ख़राब करें। अभी तो मैंने फर्टिलाइजिंग भी पूरी नहीं करी, मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार कॉटन लगा के फर्टिलाइजिंग कर दूँ पूरी 100%, फिर अब भाई 10 मिलियन से भी ज़्यादा मिलेंगे, और अभी रेट चल रहा है इतना, तो चलो हो सकता है कि रेट थोड़ा बहुत गिर जाए, लेकिन भाई 8 मिलियन तो पक्के ही हैं, 2600 रेट है, अगर 2200 भी चला गया तो तब भी तो भाई 7 8 मिलियन तो मिलेंगे मिलेंगे। तो भाई आज तो मज़ा आ गया जिंदगी का। तो चलो यार इसको मैं बंद कर रहा हूँ, बाएँ यहाँ पे कॉटन लगाऊंगा बाद में, इसको अभी मैं लेके जाता हूँ वापस। और ये था आज का गेम प्ले भाई, कैसा लगा आज, कॉटन से तो भाई माला माल कर दिया मेरे को,
मैं सोच रहा था कि 53 मिलियन होंगे, क्योंकि 7 मिलियन के आसपास मेरे को लग रहा था कि मिलेंगे, लेकिन भाई ये तो 55 मिलियन मिल गए। चलो यार जल्दी से बताओ गेम प्ले कैसा लगा इसका, और लाइक कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका आनंद मज़ा ले सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और भाई कॉटन लगा के एकदम ज़िंदगी को मस्त मस्त कर लें। ओके दोस्तों, बाय बाय।